नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ केशव। फ्रेंड्स, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमारी क्रिस्टल वीडियो पे एक कमेंट किया कि हमें प्लीज़ बताइए कि हम क्रिस्टल एंजल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और इन एंजल्स को यूज़ करके हम क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं और इनको सही तरीके से हम कैसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिर्फ दो एंजल्स के बारे में बताने वाला हूँ और ये दो एंजल्स आपके लिए लव, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, अपॉर्चुनिटीज, कंपैशन जैसी बहुत सारी अच्छी चीजें आपके लिए ये ला सकते हैं। फ्रेंड्स, वो दो एंजल्स मैं आपको दिखा देता हूं। वो दो एंजल्स हैं रोज क्वार्ट्ज एंजल। मेरे को पता नहीं आपको ये पिंक कलर दिख पा रहा है कि नहीं। और एक है हमारे पास ग्रीन एवेंचुरिंग एंजल। देखिए फ्रेंड्स, ग्रीन एवेंचुरिन एक बहुत ही पावरफुल स्टोन है। इसे बिजनेसमैन का स्टोन कहा जाता है और हर व्यक्ति जिसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो इस एंजल को यूज़ कर सकता है या इस स्टोन को यूज़ कर सकता है। अब इस स्टोन को कैसे यूज़ करना है, ये दोनों स्टोन्स ही हार्ट चक्र के स्टोन्स हैं। हार्ट चक्र हमारा अनाहत चक्र, जिसका बीज मंत्र है यम। ये हमारा अनाहत चक्र का स्टोन है और हमारे अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है, हील करता है। अब इन एंजल्स को यूज कैसे किया जाए, देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी एंजल ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन एवेंचुरिन का एंजल ले रहा हूँ। इसे हमने लेफ्ट हैंड पे रखिए, राइट हैंड से कवर कीजिए, अनाहत चक्र के पास ले आइए। आंखें बंद करके थोड़ा मेडिटेट करेंगे, एंजल से अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे, अपना कनेक्शन उस एंजल से बढ़ाएंगे और उससे अपने मन की इच्छा बताएंगे सो दैट वो आपके मन की इच्छा को पूर्ण कर सके और उसको बताएंगे कि आपको करना क्या है। एंजल्स एक ऐसी एनर्जीज हैं जो कि कॉस्मिक एनर्जी से नीचे हैं, जो भगवान या फिर जो हायर, जो परमात्मा की ऊर्जा है, जो हायर पावर है, उससे नीचे हैं और ह्यूमन कॉन्शियसनेस से ऊपर है। तो वो एक ब्रिज के तरह काम करते हैं, आपको उस परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ने का ये काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा आप इसको दो तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है, अपने हाथ में रखा, लेफ्ट हैंड पे रखेंगे, राइट हैंड से कवर करेंगे, अनाहत चक्र पे, आंखें बंद करके कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जैसे आप बोलना चाहें। हे ग्रीन एवेंचुरिन के एंजल, मेरे जीवन में नई नई अपॉर्चुनिटीज लेके आइए, लक लेके आइए, धन सुख समृद्धि लेके आइए, मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाइए, यश वैभव लाइए, मेरे व्यापार को अच्छा कर दीजिए। और आपको एक छोटा सा ब्लो करना है, एक उसको फूंक देना है। आपको जो आपने प्रार्थना की है वो एंजल के माध्यम से उस हायर एनर्जी तक चले जाएगी और आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अब दूसरी चीज, हीलिंग के लिए इसे कैसे यूज करेंगे, अपने अनाहत चक्र पे एंजल को रख देंगे। हे ग्रीन ग्रीन एंजल या फिर ग्रीन एवेंचुरिन एंजल, मेरे अनाहत चक्र को हील कीजिए, मेरे अनाहत चक्र को हीलिंग दीजिए, उसको जो भी उसमें ब्लॉकेजेस आ रही हैं उन ब्लॉकेजेस को दूर कीजिए और आप ये कर सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज के लिए आप रोज क्वार्ट्ज एंजल, मेरा सबसे फेवरेट एंजल, इसको भी आप अपने अनाहत चक्र पे रख सकते हैं और प्रार्थना करेंगे। मैं सो एंड सो व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, मैं सो एंड सो व्यक्ति से प्रेम करती हूँ, ये बोलेंगे। और देखिए, अनकंडीशनल लव के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये नहीं आप ज़बरदस्ती इससे मांग रहे हैं, ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं कि हमें वही व्यक्ति चाहिए, तो ये लाके नहीं देगा, क्योंकि जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया है ये उसको लाके दे सकता है, पर ये ज़बरदस्ती किसी और को लाके नहीं देगा। और मैं भी इस फेवर में कभी नहीं रहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती अपने लिए किसी को मांगे जो कि आपके लिए बना ही नहीं है। तो आप अपने हाथ में वैसे ही इसे लेफ्ट हैंड के ऊपर रखिए, राइट हैंड से कवर कीजिए, बोलिए हे एंजल, मेरे जीवन में सब सुखी सुखी कर दीजिए, मेरे घर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब मेरे से खुश रहें, मैं सबको प्यार करूं, सब मुझे प्यार करें, मेरे जीवन में बहुत सुख हो, प्रेम हो, आदर हो, सम्मान हो। और फिर हम
फ्रेंड्स अगर आप इन एंजल्स को प्रॉपरली यूज करते हैं, ये एक सिंपल टेक्निक मैंने आपको बताई, इससे भी ज्यादा टेक्निक्स एंजल्स को यूज करने की हैं, उनमें नहीं जाएंगे, सिंपल टेक्निक्स यूज करेंगे। अगर आप भी एंजल्स अपने लिए मंगाना चाहते हैं, हम एनर्जाइज्ड करके एंजल्स को उपलब्ध कराते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, 9634102892 पर आप संपर्क कीजिए और आपको अपना एंजल हम आपको प्रोवाइड करें। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नमस्कार।